नमस्कार साथियों, स्वागत है बॉबे टेक्निकल चैनल पर। देखिए आज हमारे पीछे साउंड स्टैंडर्ड का CA18, इसमें प्रॉब्लम ये है जो कस्टमर बता रहा था। सिस्टम चालू है, एम चालू है, इसमें क्या होता है देखिए अभी मैं चालू करके आपको बता देता हूँ। इस पर कस्टमर क्या बेस चला रहा है और जब भी फुल साउंड करने की कोशिश करता है, बढ़ाता है, तो लिमिटर ऑन हो जाता है। उसका ये कहना है कि लिमिटर टाइम से पहले ऑन हो जाता है और उसको प्रेशर नहीं मिलता है और उसके बाद में शट डाउन हो जाता है, मतलब साउंड चला जाता है। तो आइए देखिए, इसमें मैंने सॉन्ग प्ले कर रखा है, इसको मैं फुल करूँगा, अभी प्ले करते हैं। सॉन्ग प्ले कर चुका हूँ मैं प्लेयर से। आपने देखा इसमें लिमिटर आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम से पहले आ रहा है लिमिटर, उसको जो प्रेशर चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छा, दूसरा साथियों एक चीज़ बता देता हूँ कि पर्टिकुलर कोई जोन में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि बी जोन में प्रॉब्लम आ रही है या ए जोन में आ रही है, दोनों में सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। देन दोनों में सेम प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा कुछ फॉल्ट देखना, चेक करना होगा जो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो सबसे पहले आइए हम इसके ड्राइव वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोनों में। जैसे ड्राइव वोल्टेज भी अगर एक बराबर हो, दोनों का एक जैसा होना संभव नहीं है, थोड़ा सा 19-20 होता है, दोनों में सेम प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी जिम्मेदार तो नहीं हो सकता है। पर फिर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ को चेक करते हैं। देखिए ड्राइव वोल्ट चेक कर लेते हैं, हर बार की तरह टर्मिनल के ग्राउंड से ले लेते हैं हम ग्राउंड को और ट्रांजिस्टर के बेस पे हम वोल्ट चेक कर। तो ये देखिए 0.328 आ रहे हैं, ड्राइव वोल्ट सही हैं। और इस साइड भी देख लेते हैं, इधर भी सेम आ रहे हैं। तो ड्राइव वोल्ट 100% सेम है और छेड़े हुए नहीं है इसमें। और अभी जो एम्प है वो हमारा सीरीज़ में भी नहीं चल रहा है, मेन में चल रहा है, तो ये सब ठीक लग रहा है। अब इसमें एक चीज़ और होती है देखने की, यहाँ पे जो आप ये वाइट कलर का जो एक ये देख पा रहे हैं, इस पे देखिए ये -15 और +15 की सप्लाई है जो कि IO बोर्ड पर, जो पीछे साइड वाला जो हमारा बोर्ड है इस पे जा रही है। इस सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं। तो मैं पहले ये +15 वाला जो है ये वाला चेक करेंगे, फिर -15 वाला चेक करेंगे। आइए इसको भी चेक करते हैं। उसी तरीके से ग्राउंड यहाँ से ले लिया है, अभी भी सीरीज़ में नहीं है, मेन में ही है। ये देखिए ये आ रहे हैं वोल्टेज 13.28 मेन में, जबकि यहाँ पर 15 वोल्ट कम से कम आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लिखा हुआ भी है और होना ही चाहिए। और ये -13 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो 13.5 मान लें, 13.5 इधर माइनस के आ रहे हैं, 13.5 ही प्लस के आ रहे हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पर कुछ भी काम किया हुआ नहीं है, और इधर जो कुछ है वो ओरिजिनल ही लगा हुआ है। और इस कनेक्टर को भी मैंने निकाल के एक बार चेक कर लिया था, छोटा छोटा मैं देख चुका हूँ पहले ही, तो यहाँ कोई दिक्कत आने रही है। अब 100% श्योर नहीं है कि प्रॉब्लम इसकी वजह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पर जैसा कि सिम्टम्स है दोनों जोन में सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको ऐसा सर्किट देखने की ज़रूरत होती है इस समय पे जो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो ये जो +15 और -15 वोल्ट अगर प्रॉपर ICs पर नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप एम्प लगे भी ICs उस पर नहीं जाएंगे, तो हो सकता है क्लिप जनरेट हो उस जगह पर,
और गेन के समय गेन पूरी नहीं मिले और लिमिटर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इधर कुछ देखते हैं सप्लाई का कैसे क्या हो सकता है या क्या टाइप की प्रॉब्लम है। हाँ, और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो मुझे इस सर्किट में दिख रहा है, यहाँ 15 वोल्ट की सप्लाई के लिए दो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, ये 25 दिख रहा है आपको, एक तो ये ट्रांजिस्टर है ये वाला, एक ट्रांजिस्टर ये वाला, दोनों ट्रांजिस्टर। ये जो D3 दिख रहा है वो इधर थोड़ा सा कचरा आ गया, इसको दिख नहीं रहा है, वो डायोड है। यहाँ पर जो सप्लाई है डायरेक्ट डायोड से नहीं जा रही है, डायोड से मतलब जीनर डायोड है उनसे नहीं बन रही है, जीनर डायोड इसके बेस पर, उसकी सप्लाई जो है इसके बेस पर जाती है दोनों ट्रांजिस्टर के, ठीक है, और बेस से रेगुलेट होके +15 और -15 बनाई गई है ट्रांजिस्टर से। ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो लगे हुए हैं दोनों 15 -15 और +15 सप्लाई बनाने के लिए एज ए रेगुलेटर यूज़ किए गए हैं, इसमें 7-15 या 7-9-15 यूज़ नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं, देखिए साथियों इसको बाहर निकाल दिया है हमने, ये पूरा कंप्लीट पावर मॉड्यूल है, इसको बाहर पूरा निकाले बिना इसमें काम करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। देखिए एक बार और मैं आपको ये देखिए, ये जो सप्लाई जो हम चेक कर रहे थे पहले वो -15, बीच की जो दो पॉइंट हैं वो ग्राउंड के हैं और ये +15 है, ठीक है, -15 का ग्राउंड, +15 और +15 के लिए ग्राउंड, ये दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर कैसे सप्लाई बन रही है, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है ये वाला, ये TIP 127 है, ठीक है, एक सेकंड दिख नहीं पा रहा, हाँ ये देखिए ये TIP 127 है, और ये जो है ये TIP 122 है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है वो TIP 122 है, ये वाला जो TIP 122 है वो NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और वो पॉजिटिव 15 वोल्ट के लिए काम कर रहा है। ये वाला जो है इसके बेस, इसका जो बेस है वो ये जो जीनर दिख रहा है इस जगह पे, ये वाला, ठीक है, इस जीनर से कनेक्टेड है, ये जीनर 15 वोल्ट का होता है, इसके बेस पर 15 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर सप्लाई मिलती है कम से कम 34-35 वोल्ट के आसपास से कलेक्टर पे सप्लाई आ रही है और आउट करता है ये 15 वोल्ट आउट कर देता है, ठीक है, और यही 15 वोल्ट प्लस के हमारे इस पॉइंट में आते हैं। सेम इसी तरीके से जो ये जो ट्रांजिस्टर है ये PNP ट्रांजिस्टर है जो कि -15 वोल्ट के लिए काम कर रहा है, इसमें भी सेम यही चीज़ है, जो जिनर है ये वाला, ये -15 वोल्ट यहाँ से रेगुलेट कर रहा है जो कि इसके बेस से कनेक्टेड है और कलेक्टर पे, इस पर माइनस के 34-35 वोल्ट कुछ आ रहे हैं और इसके मीटर से ये आउट करता है -15 जो कि इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये तो हो गया इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से। अब ये है कि हमको ये देखना है कि यहाँ पर -15 और +15 की जगह पे 13 point something वोल्टेज जो आ रहे हैं वो जो कि कम है, तो हम देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले इसमें सबसे पहले जीनर चेंज करते हैं और जीनर के बाद में हम हो सके तो ये कैपेसिटर भी चेंज करेंगे जो कि फ़िल्टर कर रहे हैं कैपेसिटर इसके इनपुट से लगे हुए हैं, ठीक है, इनपुट मतलब इसके बेस से कनेक्टेड है, तो सॉरी बेस से नहीं, इसके एमिटर से कनेक्टेड है जो आउटपुट है ये वाला, इससे कनेक्टेड है ये दोनों, तो इनको भी चेक करना पड़ सकता है और इनको भी करना पड़ सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, ये पूरे सर्किट को भी हम चेक करेंगे टोटल सर्किट को ये वाला, ठीक है। देखिए भाइयों ये अभी दोनों जीनर चेंज कर दिए हमने, ये वाला और ये वाला दोनों, अभी कैपेसिटर चेंज नहीं कर रहे हैं, एक काम और करते हैं, वैसे तो ड्राई सोल्डर लग नहीं रहा है लेकिन जो ये कैपेसिटर हैं हमारे इनको भी एक बार हम रिसोल्व कर लेते हैं। तो कई बार क्या इस तरह की प्रॉब्लम इनके ड्राई सोल्डर होने से भी होती है क्योंकि इसको बार बार खोलना इजी नहीं रहता है, तो हो सकता है सही भी हो लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं।
आपके लिए आयरन वैसे 35 वाट की लें तो ज़्यादा ठीक रहता है, पर मेरे पास अभी मैंने हिट करी यही है तो ठीक है, काम हो जाएगा, बीट नहीं आया इसलिए। जो भी आपको थोड़ा ठीक नहीं लगे उनको आप कर सकते हैं। अच्छा लगा के रखें आयरन ताकि वो अंदर तक सही तरीके से सोल्डर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरे सोल्डर कर लेना है हमको। और इसी के साथ में अगर आप चाहें तो जो ये ब्रिज लगा हुआ है इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे तीन ब्रिज लगे हुए हैं, ये तीनों जो ब्रिज लगे हुए हैं ब्रेक रेक्टिफायर, इनके बुज आप ड्राई शोल्डर चेक कर लें तो क्या इसको बार बार खोलना नहीं पड़े, तो ये सब चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद जो भी और भी ब्रिज जैसे लगा होता है इसके अंदर, एक जैसे कि ये लगा हुआ है, जैसे इस तरह के जो भी कंपोनेंट्स आपको डाउटफुल लगे उनका ड्राई शोल्डर चेक करके इनको रीशोल्डर कर लें एक बार। तो ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ और फिर इसको फिट करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखिए जो कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं जिनर बदलने के बाद। आइए वोल्टेज चेक कर लेते हैं अब, क्योंकि हमने डाल दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे प्लस 15 और माइनस 15 का जो सॉकेट लगा हुआ है, ये देखिए अभी ये माइनस के 14 वोल्ट आ गए हैं और इधर भी ये 14 वोल्ट आ गए, मतलब 14 to 15 लगभग ये बराबर है जो कि पहले कम आ रहा था। ठीक है, तो आइए अब साउंड चेक कर लेते हैं और देखते हैं अब हमारी जो एलईडी आ रही थी, लिमिटर की जो एलईडी आ रही थी वो अब आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है हमारी, जो कि वॉल्यूम फुल करने के बाद में जो लिमिटर आ जाता था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबा देवें जो भी नए व्यूअर्स हैं, ताकि आने वाले वीडियो की उनको खबर मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स।